यहाँ पर एक रस्सी लगा करके पूरा रास्ता रोक दिया गया है। बता रहे हैं कि पेट्रोल भरा जा रहा है, अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या क्या आपको भी ऐसी कोई अफवाह सुनने को मिली है कि पेट्रोल 3-4 दिन बैन बंद होने वाला है पेट्रोल पंप? अरे आज नहीं मिल रहा है, अभी बंद होना ना होना तो नहीं मालूम है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में नहीं तो ये हालत है। अच्छा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अच्छा, पता है आपको क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि गाड़ियां बंद हो रही है, मोदी जी ने इतना बड़ा लगा दिया है कि 10 साल उसको सजा होगी, 5 लाख का जुर्माना होगा। जो ड्राइवर 12,000 की 10,000 की नौकरी करता है वो कहाँ से 5 लाख जबरेगा, कहाँ से उसको 10 साल सजा काटेगा, तो रोटी का उसके बच्चे फैमिली कैसे चलेगी। उसकी वजह से हड़ताल हो गई है, हड़ताल होगी तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसी अफवाह फैली है। आपको लग रहा है कि अब नहीं मिलने वाला है पेट्रोल? 2-4-10 दिन नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लोगों को ये पूरा पता है कि जो है 2-4 दिन अगर यहाँ पर ऐसे ही हालात रहे, हड़ताल चलती रही ड्राइवर्स की, तो दिक्कत होने वाली है। आदत बन गई है लोगों को, लाइन लगाने की आदत, नोट बंद के लिए आदत, पेट्रोल ना मिलने की आदत, जितने भी काम हो रहे हैं सब में ऐसे हो रहा है। लोग बेचारे परेशान हैं, आम जनता परेशान है। यहाँ पर मैडम परेशान हो रही है? क्या हुआ मैडम, परेशान हो रही है क्या? बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। वालों की मेहरबानी है, बीजेपी की मेहरबानी है कि ऐसा सब हो रही है। नए नए कानून लाना, नई नई बातें करना, कि 10 साल का ऐसा कभी नहीं हुआ 50 सालों में से, कि 10 साल जो ड्राइवर से एक्सीडेंट होगा उसको 10 साल से जेल करनी पड़ेगी। देखिए भाई, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनका जो ट्रैक्टर है, दूसरी पार्टी से मिल रही है। हाँ मैडम, क्या हुआ वो देखिए। अच्छा, आप देखिए रस्सी खोल रही है और मुझे लग रहा है कि पेट्रोल भर गया है और लोगों में इतना शायद इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि आप बस किसी तरीके से अंदर घुस करके पेट्रोल भरवा ले, कल पता नहीं पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल मेरा एग्जाम है बट मैं पेट्रोल भराने के यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर भी ड्राइवर ही है, बस ड्राइवर ही है, बट उनका भी यही कहना है कि ये बात गलत है, कि क्योंकि जो हित में है, जो वो जो जिसका एक्सीडेंट होगा उसके ही हित में है, ड्राइवर के हित में कुछ है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है, उसका ये होता है कि कभी मान लो पीछे से किसी ने कर दिया, आगे से किसी ने कर दिया, बट ब्लेम तो सारा का सारा ड्राइवर पे। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ेगा, पेट्रोल वगैरह ये सब चीजें, सब्जी सामान पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा, बट कुछ दिन के लिए पड़ेगा, कुछ दिन के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आगे जरा मैडम से भी पूछ लेते, मैडम क्या हुआ, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सुबह परेशान है। ऐसी कोई अफवाह आप लोगों को सुनने को मिली है कि पेट्रोल अब नहीं मिलने वाला है, पेट्रोल अब नहीं आएगा 2-3 दिन? हाँ, सुनने को मिला है ये, हाँ कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसीलिए तो लाइन में लगे हैं, नहीं तो ऑफिस कैसे जाएंगे। नहीं मिला तो फिर 2-4 दिन के लिए फिर फुर्सत हो जाएगी, और टंकी फुल करवाना अभी बेहद ज़रूरी हो गया है इन लोगों के लिए। और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। भाई साहब कब से खड़े हैं आप? 1 घंटे से हो गया। अच्छा, 1 घंटे से यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? अभी तो टैंकी आया है। अच्छा, तो सुबह से टैंक नहीं आ रहा था क्या, पेट्रोल भर नहीं रहा था क्या? नहीं, प्रॉब्लम ये कि ये न्यूज़ आई कि अच्छा पेट्रोल पंप बंद रहेगा 3-4 दिन, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये अफवाह आपने कहाँ सुनी कि पेट्रोल 3-4 दिन पेट्रोल पंप बंद रहेगा? ये न्यूज़ भी सुना मैम, न्यूज़। अच्छा, कौन से न्यूज़ चैनल पे सुन लिया भैया? मॉल पे देखा था मैम। अच्छा, लोगों को ये अफवाह, लोगों का कहना है कि अफवाह सुनने को मिली है कि 3-4 दिन तक की पेट्रोल पंप बंद रहने वाला है, और इसी वजह से लोग यहाँ पर इतनी भीड़ जमा करे हुए हैं ताकि भैया आज ही पेट्रोल भरवा लिया जाए, कल पता नहीं पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी 1 घंटा बता रहे हैं, अभी 1 घंटा और टिको, अभी 1 घंटा और लगने वाला है। अच्छा, क्यों क्यों क्या हो गया, क्या 3 दिन की हड़ताल है? 3 दिन की हड़ताल, तो पेट्रोल पंप की हमें सुना अगर ड्राइवर्स की हड़ताल है इस वजह से, ये ट्रक वालों की और ड्राले वालों की सब चीज़ की हड़ताल है 3 दिन की, 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा लड़ने पे। अच्छा, गाड़ी लड़ने तो आप लोगों को लाइनों में लगना, हाँ तो लाइन लगने की आदत है हम लोग को। अच्छा, इसीलिए नोटबंदी में कभी कुछ में कभी कुछ में हर चीज़ में। आप लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक बार फिर से लाइन में लगवा दिया, मोदी जी ने फिर लाइन लगवा दिया? जी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ऐसे चलता रहेगा, देश तरक्की करता रहेगा। तरक्की हो रही है, वाह भाई वाह। और भी लोग हैं यहाँ पर, कितनी देर से खड़े भाई साहब? मैम हो गया आधा घंटा, हो गया खड़े हुए आधा घंटा हो गया। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कितना समय और लगेगा? अभी एक बार खोला, वो कह रहे हैं 1 घंटा लगेगा अभी भी खोलने में मैम। अच्छा, हाँ भाई, आम जनता को तो बस लाइन ही मिलती है, कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई कोचिंग से आ रहा है, यहाँ सब लाइनों में ही लगे हैं। देख सकते हैं हालात क्या है कि नहीं समझना चाहता। ये देश की तरक्की है, ये देश की ये देश की तरक्की हो रही है, देश की तरक्की है। ऑफिस से आइए, ऑफिस से आइए, काम से आइए, दफ्तर से आइए, और यहाँ पर आकर लाइनों में लग जाइए। दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही तरक्की हो रही है। तो भाई यहाँ पर जो है
लोगों की भीड़ ऐसी है कि निकलने की जगह नहीं मिल रही है। और पिछले 15 मिनट से हम यहाँ खड़े हुए हैं और अब तक तो ये नहीं खुला है, अब तक तो नहीं खुला है। अभी मुझे जो आगे लोग मिले थे उन्होंने मुझे बताया कि कोई 1 घंटे से खड़ा है, कोई आधे घंटे से खड़ा है, और ये रस्सी तब से वैसी बंधी हुई है दोस्तों। ये रस्सी यहाँ पर बंधी है और हमें पता चला था कि पेट्रोल की फिलिंग की जा रही है टंकियों में और अब तक शायद फिलिंग भी नहीं हो पाई है। ये रस्सी यहाँ पर पिछले कब से खड़ी है, कब से बंधी हुई है? 1 घंटा होने वाला मैम। 1 घंटे से ये रस्सी लगी हुई है जी। क्या बता रहे हैं? अभी कह रहे देंगे 1 घंटे बाद। कब से खड़ी है मैडम आप? 40 मिनट्स हो गए। 40 मिनट्स हो गए, 40 मिनट से आप परेशान यहाँ पे खड़ी हुई हैं। कोई बात नहीं, कल भरवा लीजिएगा आकर। कल मॉर्निंग में ड्यूटी जाना होता है। ओके, और अगर कल भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? कल तक चल जाएगा। चलिए ठीक है। और भी लोग भाई यहाँ पर खड़े हैं, और भी लोगों से बातें कर लेते हैं। क्या हुआ, आप भी लाइन में लग गए हैं? हाँ, हम भी लाइन में लगे हैं काफी टाइम से, आधा घंटा हो गया लगे हुए। आधा घंटा। आपको भी कोई ऐसी अफवाह सुनने को मिली है कि अब जो है आपको पेट्रोल नहीं मिलने वाला आगे 1-2 दिन तक? हाँ, यही सुना है, 4-6 दिन तक तो नहीं मिलने वाला। टंकी फुल करवाएंगे? और क्या, फुल कराना ही पड़ेगी। अगर मुसीबत आ गई तो फिर मोदी जी लाइन में लगा देंगे, अभी तो लगे ही हैं। जब वो लाइन में लगाएंगे लग जाया जाएगा। भैया तो हालात आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। जब हम आए थे तो पेट्रोल पंप के अंदर तक ही लाइनें लगी हुई थी, और अब पूरी रोड वहाँ तक देखिए भरी हुई दिखाई दे रही है। पूरी पेट्रोल पंप के आगे तक पूरी लाइनें लगी हुई हैं। जैसी लाइनें हमने नोटबंदी के दौरान देखी, आज वैसी ही लाइनें दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल वही नोटबंदी वाले हालात दिखाई दे रहे हैं। क्या भैया, नोटबंदी वाले हालात है? बिल्कुल वैसे हालात हो गए आपके। नोटबंदी जैसा? बिल्कुल वैसे लग रहा है, नोटबंदी वाला फीलिंग आ रहा है। सब कुछ देख लिया, नोटबंदी, कोरोना, सब देख लिया, यही देख रहा, बाकी ये भी देख लिया। पेट्रोल की हड़ताल, पेट्रोल भी बंद हो रहा है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, खबर आई है कि अब पेट्रोल और डीजल अगले 3-4 दिन तक नहीं मिलने वाला, और ये खबर सुनते ही लोगों की यहाँ पर पेट्रोल पंप पर भीड़ लग गई है। तमाम लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं सिर्फ कि अपनी गाड़ी की टंकियों को फुल करवा लिया जाए, वरना अगले 3-4 दिन तक की पेट्रोल हमें नहीं मिलने वाला। यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हालात इस वक्त बेहद ख़राब नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके की भीड़ और जिस तरीके का पैनिक लोगों में दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ड्राइवर्स को लेकर, हिट एंड रन को लेकर सरकार एक नया प्रावधान लेकर आई है कि अगर अब किसी भी ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर या किसी भी ड्राइवर से कोई भी हादसा होता है और उस हादसे में सामने वाले शख्स की मौत हो जाती है, तो सज़ा के तौर पर 10 साल की सज़ा होगी और 7 लाख तक का जुर्माना होगा। इसको लेकर लगातार जो ड्राइवर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रक्स हैं वो नहीं चल रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है। जो सामान है जैसे कि पेट्रोल वगैरह जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब्जियां वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सक रही हैं, इसी वजह से लोगों में पैनिक है, सुविधाएं लोगों तक पहुँच नहीं पा रही हैं और यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। हालाँकि अब ये हड़ताल कितने दिन तक चलेगी ये देखना होगा, और इस हड़ताल से कितनी समस्याएँ होती हैं ये भी देखना होगा। आप एक खबर उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं, मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।